Shantana, we cannot hear you. I think you have not unmuted yourself. Okay, am I audible now? Yes, you can start the session. Okay, so let's begin. Sorry, there was some issue from my end. So welcome to today's session. I am Shantana from Fundamental Research Desk. So today, in today's session, we will learn certain features that are there on our Stockage app platform, right? So first we'll begin with understanding what is investment ideas, followed by edge reports. Then we will peek into company filings. उसके बाद हम लोग देखेंगे इन्वेस्टमेंट थीम्स क्या है, इन्वेस्टर पोर्टफोलियो. वील देन फोकस ऑन एज इनसाइट्स, एसएमई जोन, एंड वील ऑल्सो सी व्हाट आर द फीचर्स दैट आर देयर ऑन दिस म्यूचुअल फंड सेक्शन. फॉलोड बाय दैट वी विल एंड आवर सेशन बाय अंडरस्टैंडिंग हाउ वी कैन पोस्ट आवर क्वेरी इन द स्टॉकेज सोशल प्लेटफॉर्म, राइट? सो लेट्स बिगिन. So here we get into investment ideas. So the first and the foremost thing is, as the name suggests, investment ideas. तो ये है क्या? तो investment idea is nothing but here the research team on Suomoto basis they come up with certain stocks which they find is very good for long term investment purpose, right? उनको लगता है कि इसमें invest करने से over a period of say 2 to 3 years wealth generation में help होता है. Right, so here we the first and the company that comes on the list is Princepipe. So the moment we see Princepipe, वहाँ पे मुझे case study का file PDF attached मिलेगा, right? So we'll just click into it. So the first thing we get to see is about the company, थोड़ा बहुत लिखा हुआ है, highlights. उसके बाद यहाँ पे आपको एक spider chart देखने को मिलेगा, right? And यहाँ पे edge meter scope. सो ये क्या है, वील गो वन बाय वन. सो द फर्स्ट इज आप यहाँ पे जो ये स्पाइडर चार्ट देखेंगे दैट हैज बीन ब्रोकन इनटू फ्यू पैरामीटर्स, राइट? सो फ्रॉम हियर वी अंडरस्टैंड दैट दिस पर्टिकुलर कंपनी हैज बीन जज्ड ऑन बेसिस ऑफ दीज पैरामीटर्स. नाउ व्हाट आर दोज पैरामीटर्स? दैट इज ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, एफिशियंसी, सॉल्वेंसी. सॉल्वेंसी इट टॉक्स अबाउट द डेट प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, फिर उसका वैल्यूएशन, एंड लास्ट इज क्वालिटी. So here we can understand that the company is judged based on both financial as well as on the qualitative aspect, right? And out of the maximum score one metric gets is 5, and out of 5 we score each metric, right? After that we come to a total score of 23 out of 30. So this is what the spider chart talks about. Now let's go into the report, राइट? सो सबसे पहले आपको रिपोर्ट में ऐसे फर्स्ट इज द कवर, देन हियर इट टॉक्स अबाउट द कंपनी, व्हाट इज द कंपनी इनटू द मॉडल, राइट? देन द कैपेसिटी, एंड इन सम केसेस यहाँ पे आपको रेवेन्यू मिक्स भी देखने को मिलेगा एंड ज्योग्राफिकल मिक्स भी देखने को मिलेगा, राइट? देन द ग्रोथ पैरामीटर जो आपको मैंने थोड़ी देर पहले समझाया. नाउ ग्रोथ पैरामीटर इज ब्रोकन इंटू अगेन सब सेगमेंट्स. So यहाँ पे ग्रोथ हैज बीन ब्रोकन इनटू सेल्स ग्रोथ, एबिटा ग्रोथ, एंड पैट ग्रोथ. एंड आफ्टर स्टडिंग दीज थ्री पैरामीटर्स ऑन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कि कैसा रहेगा फ्यूचर में, वी अराइव एट द स्कोर ऑफ 4 out of 5. क्लियर टिल हियर? सिमिलरली दे आर अदर पैरामीटर्स जैसे प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, अगेन वी गिव इट अ स्कोर, एफिशियंसी हो गया, सोल्वेंसी दैट वी हैड जस्ट टॉक्ड अबाउट कि ये डेट प्रोफाइल क्यों चेक करता है. नाउ वैल्यूएशन, नाउ वी विल स्पेंड सम टाइम हियर. यहाँ पे आप देखेंगे ये वैल्यूएशन स्लाइड है. नाउ व्हाट हैपेंस इज द एनालिस्ट वो अपना जो इंटरनल वैल्यूएशन करके इट ही और शी कम्स टू अ सर्टेन प्राइस पॉइंट्स, राइट? नाउ हियर आपको देखने को मिलेगा, हियर इट्स क्लियरली मेंशनड दैट the zone of 630, 670 will act as a strong accumulation zone, right? So let's see here. I'll just increase the time frame. So आपको देखने को मिलेगा कि here it has talked about कि this zone, जब भी ये zone के आसपास आए तो ये accumulation का point बनता है, correct? सो जब भी ये स्टॉक इस जोन पे आए, सो आप यू कैन स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग इन योर पोर्टफोलियो,
right? So this green band is nothing. This price point gets captured as this green zone, right? I'll just take some few questions. Okay, I'll keep a mix of both English and Hindi because kisi ko English mein problem hai, kisi ko Hindi mein problem hai. So I'll try to keep a mix of both. So what we had learned here is ki ye jo price point hai, the price zone that has been shown here, it gets captured here in the green zone. Now this was only here, only the green zone or the accumulation point was shown. Now let's go to another example where both the accumulation and distribution zone is shown. So I'll just cancel it out. Say main Balkrishna Industries ka example leti hu, right? I'll quickly go to the report. So यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे एनालिस्ट हैज मेंशन दैट द जोन ऑफ 1900 टू 2100 विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन व्हाइल ऑन द अपसाइड 3100 एंड 3300 जोन तक ये जा सकता है, राइट? नाउ वी विल फोकस हियर ऑन द प्राइस लेवल. See, now this company's stock price is trading near the red zone and the analyst suggests that jab bhi ye stock price is red zone ke paas aaye to yahan pe distribution ya supply aa sakta hai. So you be cautious about your holding and keeping in view your risk appetite, you can either go for partial exit or you can be a little cautious about the company's stock, right? Okay, Vinod sir, I'll take it as a to the relevant team. And Priyanka ma'am, which indicator is green zone? I'll just ask you to focus on this valuation slide, then it will be easier. So agar aap yahan pe dekhenge the last para, you will see that the analyst has mentioned that the zone of 1900 to 200 will act as a strong support zone, right? This gets captured, these lowers in the green zone, 1900 to 2100 levels, right? Again, here the stock price may go up to the level of 3100 to 3300. Again, on the upside zone gets captured by this red band, right? 3100 to 3300. Clear? Priyanka ma'am, hope is clear. Okay, now this is what the levels talk about. Now we will go to spider chart. I have already explained. Now the point comes here in Balkrishna. It's the levels are shown in red and in Prince Pipe, the levels are key levels are shown in green. Now the question comes why, right? So we'll understand that here, the company's stock price is trading close to this or within this red zone, right? So whenever a stock price, case study company stock price is trading near the red zone, it will be shown in red. The key level will be shown in red. And the difference between the key level and the last traded price will be known as the gap, right? And lower the gap, that will come, that particular company stock price will come on the top. No, sir, there is no way that it can be covered on a, you know, particular script on a request basis. This is completely decided by the research team on Suomoto basis on companies which they think is suitable for investment purpose, right? All right. So hope it's clear till here. Achha, gap mein ek baar Hindi mein samjha deti. एक सेकेंड मैं बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का एग्जाम्पल लेती हूं. आप यहां पे देखिए जो वैल्यूएशन स्लाइड है
वहां पे दो प्राइस लेवल्स मेंशन है, राइट, एक 1900 का और एक 2100 का, राइट, 2100 का. सो यहाँ पे मेंशन है कि ये सपोर्ट जोन बनता है, करेक्ट. उसके बाद फिर मेंशन किया है कि ये जो स्टॉक प्राइस है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का, ये ऊपर 3100 से 3300 तक जा सकता है, राइट. क्लियर टिल हियर? अगर आप इस यहाँ पे देखेंगे, जो लेवल्स एनालिस्ट ने मेंशन किया है वो सेम लेवल्स ग्रीन एंड रेड जोन में कन्वर्ट हो गया है, राइट. इट हैज बीन, वो कैप्चर हो गया है. सो जो वो लोअर लेवल बोला है वो ग्रीन में कैप्चर हुआ है, एंड जो टॉप का लेवल बोला है वो रेड में कैप्चर हुआ है, राइट. क्लियर टिल हियर? नाउ व्हाट दे हैव सेड इज, व्हेनेवर दिस, जब भी स्टॉक प्राइस ये ग्रीन लेवल के पास ट्रेड करे, सो इट्स अ पॉइंट वेर यू कैन स्टार्ट, दैट्स अ पॉइंट वेर यू कैन स्टार्ट एडिंग इट टू योर पोर्टफोलियो. आप उसको अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं और स्टार्ट ऐड भी कर सकते हैं. और जब भी स्टॉक प्राइस रेड जोन के पास आए तो आपको थोड़ा सा कॉशियस होना पड़ेगा, और आपको, क्योंकि यहाँ पे इस पॉइंट पे सप्लाई आ सकता है, एंड दिस प्राइस जोन हैज बीन डिसाइड, हाउ दे हैव बीन डिराइव्ड, दिस हैज बीन डिराइव्ड थ्रू इंटरनल वैल्यूएशन दैट द एनालिस्ट हैज डन, राइट. नो, वी विल बी टेकिंग सेक्टर रोटेशन टूडे. दिलीप सर, इज इट क्लियर टू यू? ओके दिलीप सर, आई ट्राई टू एक्सप्लेन इट वंस अगेन. यू नीड टू फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड ऑफ वैल्युएशन. लेट्स सी, हियर दे हैव मेंशन वन टू जोन्स, राइट. The upside zone, that is 3100 to 3300, and on the lower zone, that is 1900 to 2100, correct. Now these levels get captured here as green and red zone. Now what is the green zone? Green zone talks about the lower band, that is 1900 to 2100, and what does the red zone talks about? That talks about the upper zone or the upper band, that is 3100 to 3300, correct till here. Now what the analyst suggests is, whenever the stock price comes to this green zone, you can start adding it to your portfolio, right? And whenever the stock price comes or starts trading near the red zone, you have to be a little cautious, keeping in view your risk aversity. You can like go for partial exit, or you may continue to hold it but with caution, right? Okay. So sector rotation will be taken by somebody else, right? The person like expert on the same. All right. Now what we'll focus is, आप यहाँ पे देखेंगे नीचे में these yellow circles are there with these scores, right? Now what is this? This is nothing but total edge score. And अगर हम ये time frame को ज़्यादा बढ़ा लेंगे, like say, so we can see that since in like when the coverage was initiated, we had given Balkrishna Industries a point of score of 20, and then we had again gone to 23. Again, there has been a dip of one, and currently it is having a score of 22, right? And all these reports, the case study reports, are updated on quarterly basis, right? So this was about the investment ideas. Sir, Prabhu sir, to clarify, these are for investment purpose, and you have the minimum holding period we suggest is more than 2 to 3 years, right? So keeping in view your risk aversity, you can keep it for a longer period of time. Or as and when you feel that, you know, there is a lot of supply coming, or you can again get back to the research team, like how or what view they have on this particular case study, and they will guide you accordingly, right? As I stated earlier, Rehman sir, all these case studies get updated every quarter. And if you I'll show later how you can see what is the date like. Now invest post, after completing investment ideas, let's see what is edge reports.
नाउ जैसे हमने लाइक केस स्टडीज देखे, वैसे रिसर्च टीम कम्स अप विद अदर सॉर्ट्स ऑफ रिपोर्ट्स टू, राइट? सो वो आपको एज रिपोर्ट सेक्शन में मिलेगा. सो अगर हम लोग यहाँ पे ये ऑल टैब है इसमें जाएंगे, सो वी कैन सी व्हाट ऑल द रिपोर्ट्स दैट वी कैन फाइंड अंडर एज रिपोर्ट सेगमेंट. सो फर्स्टली इज केस स्टडी, उसके बाद कॉन कॉल एनालिसिस, इन्फोग्राफिक विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टेक्निकल एंड फंडामेंटल, आईपीओ नोट्स एंड स्टॉक टू वॉच इज मेनली टेक्निकल इन नेचर, राइट? सो पहले हम देखेंगे केस स्टडी. सो मैंने आपको दिखाया थोड़ी देर पहले कि हाउ द केस स्टडी लुक्स लाइक, व्हाट इज द मैटर और द कंटेंट ऑफ द केस स्टडी, राइट? सो ये आप देखेंगे डेट वाइज मेंशनड है कब कौन सा पब्लिश हुआ है. एंड से सपोज मुझे जानना है कि कौन से लाइक से सपोज ब्रिटानिया अगर मैं चेक करूं, सो आपको फुल लिस्ट वाइज आपको यहाँ पे ब्रिटानिया का कब से क्या है, कौन कौन से डेट पे पब्लिश हुआ है, यू गेट टू सी ऑल द रिपोर्ट्स, राइट? सिमिलरली विल गो टू कॉन कॉल एनालिसिस. दिस इज शोइंग फॉर ब्रिटानिया, आई जस्ट कैंसिल इट आउट. सो नाउ द अर्निंग सीजन इज गोइंग ऑन, एंड सो बिफोर आई गेट इन टू द रिपोर्ट आई जस्ट वॉन्ट टू लाइक एक्सप्लेन वॉट इज अ कॉन कॉल. सो कॉन कॉल इज नथिंग, एवरी अर्निंग सीजन मोस्ट ऑफ द कंपनीज, नॉट ऑल, दे गेट टू इंटरैक्ट विद द एनालिस्ट टीम, एंड देर दे डिस्कस द कंपनीज परफॉर्मेंस, क्वार्टरली परफॉर्मेंस, एंड वॉट आर द की हाईलाइट्स ड्यूरिंग द क्वार्टर, एंड वॉट आर द कंसर्न्स और द पॉजिटिव और द अपॉर्चुनिटीज that the company is banking into. Again, the analyst also get the opportunity to interact with the management to understand how confident they are with their businesses, what are the concerns, how they are addressing those concerns, if there are opportunities, how they are leveraging on those opportunities, so that they tend to generate maximum benefit for the investors, correct? So what happens is every con call is minimum 1 hour long, and it also takes time for the transcript to come out, and it becomes difficult for any one of us to attend and capture the major highlights. So what we do is we research analyst of stockage, we attend these con calls, and then we come up with a summary on the same. So अगर आप जब जाओगे तो आपको ये ऐसा दिखेगा, एंड यहाँ पे एक पीडीएफ अटैच्ड है. आप इस पीडीएफ को जैसे एक्सेस करोगे, सो यहाँ पे आपको वरुण बेवरेजेस अर्निंग कॉल मिले देखने को मिलेगा, राइट? एंड दिस इज दी हाइलाइट्स, राइट? देन यू गेट अ एआई जनरेटेड मीटर विच स्टडीज दी कॉन कॉल, एंड इट क्रिएट्स अ मीटर आउट ऑफ द सेम दैट हाउ इट फील्स अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉन कॉल. नाउ लेट्स गेट इनटू द रिपोर्ट. So since Varun Beverages follows calendar year, so that's why this is the second quarter for the company, right? So it follows like from January to December financial year or calendar year, right? So here we get to see a snapshot explaining कि कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रहा, ठीक है? फिर हम लोग अगर नीचे मूव करेंगे तो हम देखेंगे परफॉर्मेंस हाइलाइट्स यहाँ पे, राइट? उसके बाद बिजनेस हाइलाइट्स, व्हाट हैव बीन द मेजर चेंजेस, क्या क्या है, अपडेट्स क्या है, राइट? केपेक्स अपडेट्स क्या है, अगर उसने इस क्वार्टर कुछ केपेक्स लिया है तो उसका हाइलाइट्स क्या है, एंड फ्यूचर आउटलुक, राइट? सो 1.5 आवर्स का जो कॉन कॉल है उसको हमने कॉन्साइज फॉर्मेट में एंड अ वेरी प्रिसाइज एंड मैनर में आपके लिए 3 पेजर में इसको प्रोवाइड किया है, राइट? सो जस्ट सी सर ट्रेड ट्रेड सर आई डोंट हु इट इज सर वी आई एम हियर आई टुडे सेशन विल बी जस्ट एक्सप्लेनिंग दी हाउ टू यूज दी फीचर्स एंड व्हाट आर देयर इन अ फीचर, राइट? इफ यू हैव एनी कंपनी स्पेसिफिक क्वेरी और एनी सेक्टर स्पेसिफिक क्वेरी प्लीज पोस्ट इट इन दी क्लब सोशल प्लेटफॉर्म सॉरी सो ऑन दी सोशल प्लेटफॉर्म इन दी रेलिवेंट क्लब, राइट? विशाल सर आई अरेंज ऑन ओके फाइन आई टेक इट एज अ रिक्वेस्ट एंड आई टॉक विद आई प्रोवाइड द सेम टू द रेलिवेंट
team, right? Okay. So till here, any questions pertaining to con call reports? So it's clear. Okay, there is a question. Okay, so since it's clear, I'll move to the next report. Okay, so the next report is infographic. Now, as I stated earlier, infographic is nothing. यहाँ पे आपको it's a combination जहाँ पे आपको technical infographics भी देखने को मिलता है और fundamental infographics भी देखने को मिलता है. यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक topic लेते हैं and उसके highlight करके उसके under कौन कौन से companies है जो उन्होंने परफॉर्म किया है या नहीं परफॉर्म किया उसको जस्ट हाईलाइट करते हैं, राइट? ओके, जैसे कि यहां पे हो गया है द फर्स्ट वन इज जो लेटेस्ट फंडामेंटल के अंडर आया है ऑन 25 जुलाई, राइट? मेजर फार्मास्यूटिकल कंपनीज विथ हाई आरएनडी एक्सपेंडिचर इन द लास्ट क्वार्टर, राइट? सो हम यहाँ पे देखते हैं. सो सबसे पहले यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि आरएनडी एक्सपेंसेस किस चीज में पर्टेन करता है इन अ फार्मास्यूटिकल कंपनी. अ सिनॉप्सिस इज प्रोवाइडेड फॉर द सेम, राइट? एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कंपनीज जिनका आरएनडी एक्सपेंडिचर काफी हाई था इन क्वार्टर फोर, राइट? सो हम देख सकते हैं कि डॉक्टर रेड्डीज है, राइट? ग्लेनमार्क फार्मा है ऑन द टॉप, ल्यूपिन ऑन द टॉप है एंड एल्केम लेबोरेटरीज एंड ऑरोबिंदो फार्मा ऑन द लोअर साइड है, राइट? सो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपको एक एक ग्लांस में आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से फार्मास्यूटिकल कंपनीज का कितना परसेंट कॉस्ट आरएनडी में जा रहा है, राइट? एंड उससे आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि अगर ये पर्टिकुलर कंपनी इतना आरएनडी में स्पेंड कर रहा है, क्या उसका रेवेन्यू ग्रोथ भी उसी टैंडम उसी पेस में हो रहा है कि नहीं, राइट? सो ये आप होमवर्क करके आप देख भी सकते हो. सो यू कैन गेट अ आइडिया कि हाउ द कंपनी इज परफॉर्मिंग, राइट? सो दिस वॉज अबाउट इन्फोग्राफिक. आरएनडी इज नथिंग बट इट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट? Okay, now comes a very important and one of my favorite IPO notes, right? So what is IPO notes? We all are aware ki IPOs aate hain and sabse pehle DRHP aata hai, uske baad RHP aata hai, uske beech mein bahut information collate karna padta hai. So it's not possible because you have to hop and skip from one point or सेगमेंट टू दी अदर एंड फिर डी आर एच पी भी काफी लॉन्ग होता है तो वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. सो वॉट वी हैव डन इज हियर हमने एक पीडीएफ एक रिपोर्ट बनाया है आईपीओ नोट. यहाँ पे सबसे पहले इट डिस्कसेस अबाउट द कंपनी अ लिटिल बिट अबाउट इट्स वॉट इज इन टू, राइट? तो आपको एक आइडिया मिल जाता है. देन ये एक मीटर है वेर वी प्रोवाइड वेदर द रिसर्च टीम फील्स दैट दिस पर्टिकुलर आईपीओ इज excellent, good, average and poor, and accordingly you can take your you can form your own investment bet, correct? Now we'll go to the report. So yahan pe, so first thing is overview. Now overview mein we discuss the company, right? A little bit about the company, uska ek financial highlights ka snapshot provide karte hain ki uska jo revenue kaisa raha hai, EBITDA, net profit ka kaisa raha hai, right? And issue size kya hai, issue details aapko yahan pe mil jayega. So pure IPO ka ek snapshot hum ye overview page mein provide karte hain, right? Now let's move below. सो बिलो अगेन वी सी गेट टू सी अबाउट द कंपनी, उसका रेवेन्यू मिक्स कहाँ से क्या आ रहा है, राइट? एंड देन हियर इट ऑल्सो डिस्कसेज द मॉडल. देन इट टॉक्स अबाउट द सेक्टर, हाउ द सेक्टर इज परफॉर्मिंग एंड वॉट इज देयर इन द सेक्टर जहाँ पे जिसमें दिस पर्टिकुलर कंपनी इज फंक्शनिंग, करेक्ट? सो ये आपको सेक्टर आउटलुक में देखने को मिल जाएगा. Now comes the competitive landscape. Now this discusses the company in parlance to other players that are there in the
मार्केट, राइट? सो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जो ये कंपनी है वो अदर्स के कंपैरिजन में कैसे प्लेस्ड है, राइट? देन द कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप हियर कंटिन्यूज. देन द ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑफर विच टॉक्स अबाउट कि ये जो कंपनी जो पैसा रेस कर रही है, वेयर इट इज लुकिंग टू यूटिलाइज दोज फंड्स, राइट? सो हियर इट टॉक्स अबाउट हाउ दैट दिस कंपनी विल यूटिलाइज द फंड्स. Then the promoter background and shareholding. Now, who are the promoters? Post the IPO, what will be the shareholding pattern like? Right? यहाँ पे सब कुछ discussed किया गया है. Now comes the risk factors. अगर आप इसमें invest करते हैं तो कौन कौन से risk आप इसको face कर सकते हैं? What are the risks that is there in this company? Now comes the financial highlights, which talks about the profit and loss, asset and liabilities here. Then is the statement of cash flows. And here it discusses the key metrics. Post that, we have the SWOT, right? Which talks or discusses the company's strength, opportunities, weakness, and threats, right? So, and the last and the most important is the timeline. So, कब issue open हो रहा है, listing date क्या है, कब पूरा आपको यहाँ पे एक idea मिल जाएगा, एक synopsis आपको timeline का यहाँ पे मिल जाएगा, right? I'll just see the okay fine. So clear till here, IPO notes. Okay, since no questions pertaining to IPO notes, I'll move to, okay, there is one, I'll just see. Okay. So now let's move to, here stock to watch pertains to technical, so I'll give it a miss, right? It'll be taken by the technical analyst. So investment ideas is done, edge reports is done. Now let's move to company filings. And before that, I'll see if there is any questions. Okay. Fine. So let's move to company filings. Now company filings kya hai? All companies listed on the exchanges has to inform the exchange from time to time any event that occurs within the company, right? अगर वो एनुअल रिपोर्ट ला रहा है या कोई बोर्ड मीटिंग है या वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगा, कोई एक्सपेंशन है, कोई जेवीज है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. नाउ व्हाट हैपेंस इज इट बिकम्स लाइक बहुत नॉइजी हो जाता है. इफ यू गो टू दी बीएससी और एनएससी कंपनी फाइलिंग सेक्शन, तो हमको समझ में भी नहीं आता है कि उसकी टेक्निकल जो जार्गन्स यूज होते हैं वो समझ में नहीं आता है. तो कभी कभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस आउट भी हो जाता है, राइट? So what we have done is we have segregated all those exchange filings under certain heads, right? जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे आपको list मिलेगा जैसे acquisition, annual report, फिर board meeting, bonus, etc. So क्या हो जाता है कि हम अपना focus we have a very clear focus, right? So say suppose I'm only interested in knowing which all companies are coming up with their annual reports. So simply I will go to this annual report segment. I will click and date wise, I will get all the companies that have come out with their annual reports, right? So, mera kaam bahut aasan ho gaya, right? Say, suppose I am only interested in knowing ki kaun se companies ne dividend declare kiye hain aur dividend related koi bhi updates aaya hai. So, I'll type dividend and here I'll get the list of all the dividend related information. से राइट्स ने कोई रिवाइज इंटीमेशन डाला है फॉर द रिकॉर्ड डे. मैं इस पीडीएफ आइकन में क्लिक करूंगी एंड दैट विल कम इनिशियली टेक मी टू दैट एक्सचेंज फाइलिंग, राइट? सो मुझे वो एक्सचेंज फाइलिंग यहां से देखने को मिल जा रहा है, करेक्ट? नाउ कम्स द पॉइंट कि मुझे इतने के थ्रू भी नहीं जाना है. आई जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट माई ओन लिस्ट ऑफ कंपनी फाइलिंग्स.
So what I'll do is I'll just star mark. And once I do that, it gets added to my company filings, right? Now, अगर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड में फोकस करेंगे तो माय स्टॉकेज बोल के एक सेक्शन आएगा, राइट? माय सेक्शन में हम जाएंगे, यहाँ पे हमको एक ब्लू कलर का माइक का आइकन दिखेगा, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड यू सी एनुअल रिपोर्ट एंड एक्विजिशन इज एडेड टू माय कंपनी फाइलिंग्स एंड इफ आई गो टू द फाइलिंग सेक्शन तो मुझे ये दोनों पैरामीटर्स रिलेटेड और ये दोनों कैटेगरी रिलेटेड ऑल द एक्सचेंज फाइलिंग्स मुझे यहाँ पे मिल जाएगा. Now I'll go back to the category and say suppose I want to add another category, right? मुझे अब dividend भी अपने list में add करना है. I'll simply do dividend star mark and here it gets added to my list. Now say suppose I want to remove any category, simply I'll strike it off, right? And this will move out of my company filing segment. So I'll just check. Okay. All right. So this is what is about company filings. So it depends like what Rikun sir, it depends like say suppose what is the company into, say suppose I'm taking an example. Suppose the company is into an FMCG segment, right? So what you need to check is how has been the dividend history, right? Say, or if it is, so there are not certain parameters or like that, ki like you need to check for any company. It just what it is like company filings cut down the noise, right? Now, since we have checked the company filings on all basis, let's see ki main individually kisi company ka फाइलिंग्स कैसे चेक कर सकती हूँ. से सपोज आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ से ब्रिटानिया इटसेल्फ. हियर सो जस्ट आफ्टर दिस डिलीवरी सेक्शन यू सी दिस अपडेट्स. आप यहां पे जाएंगे यू गेट दिस अनाउंसमेंट सेगमेंट, राइट? क्लिक ऑन दैट. You get to see all the filings that the company has filed with the exchange. Latest 30th July 2024, right? There has been some changes in the management of the company, right? Now say, I want to cut down this noise and I want some specific parameters. So I'll go to this funnel and here I see jo categories maine company filings pe dekhe the. सेम कैटेगरीज ये फिल्टर में है एंड अकॉर्डिंगली आई कैन फिल्टर इट आउट, राइट? सो से सपोज मुझे यहाँ पे जानना है अगेन एनुअल रिपोर्ट. सो आई क्लिक ऑन एनुअल रिपोर्ट एंड 19 जुलाई को कंपनी का एनुअल रिपोर्ट रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन था. यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट भी है. सो आई इफ आई क्लिक ऑन दिस पीडीएफ इट विल टेक मी टू दैट एनुअल रिपोर्ट, right? So this is how you can access the various company filings. Just one thing I'll show that here in our app you get to see this just after the MF holding, the document section, right, where you find the con call transcript. Here you find the investor presentation of the company date wise and the annual report, right? Okay, I'll just CDSL. If you type CDSL, right, and you go to the update section, and what was it? Bonus, right? So here I'll type bonus. Simply click on it. 2nd July, there has been something pertaining to bonus. What? I'm not aware. So what I'll do is I click on this PDF. I will take me to this 4-pager filing made by the company. Right?
विनोद सर, ठीक है, ओके। कॉन कॉल एंड इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन इज, लेट मी पुट इट दिस वे, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन हेल्प्स यू हाउ द कंपनी प्रेजेंट्स इट्स आइडियाज, एंड इन कॉन कॉल इज वेयर दे इंटरैक्ट वन टू वन विद द एनालिस्ट टीम, एंड ऑल्सो यू नो the over the like con call, like over the phone or say over the web, they interact with the investors and they present the performance of the company, right? Okay, so this was about the company filing, and I've also shown how you can access a company's documents, be it a con call, be it investor presentation or annual report, right? Now we will move to the investor portfolio segment. So what is investor portfolio segment? It's like here it has been shown both on individual as well as on institutional basis. अब क्या है कि दे आर एस इन्वेस्टर्स अगेन ऑन बोथ इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशनल लेवल्स, एंड वेन एवर दे पार्टिसिपेट और एग्जिट एनी कंपनी, देयर इज इम्पैक्ट ऑन द शेयर प्राइस, नंबर वन, एंड नंबर टू, वी ऑल्सो टेंड टू क्लोन देयर आइडियाज सो दैट वी कैन जनरेट रिटर्न फॉर आर सेल्व्स, राइट? सो हियर वी हैव listed out the ace investors and their portfolio, and we also show where the changes are happening in their portfolio, right? So say the first one is Rakesh Jhunjhunwala and Associates, and here the number of holdings in his portfolio is 26 and the holding size is 50,000 crores, right? And last 3 months may top performer in the portfolio has been राघव प्रोडक्टिविटी एनहेंसर्स। सो अगर हम लोग इनके पेज में जाते हैं, द फर्स्ट थिंग इज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, नंबर वन एस्टिमेटेड होल्डिंग अमाउंट द कंपनी इज हेल्ड, राइट? हाईएस्ट शेयर होल्डिंग किस कंपनी में है इनके पोर्टफोलियो में, एंड रिसेंट चेंज कहाँ पे हुआ है, एंड यर यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी मिलेगा, प्लस देर इज अ एरो ग्रीन और रेड इंडिकेटिंग वेदर देर हैज बीन एन अपटेक और अ डिक्लाइन इन दी पोर्टफोलियो और इन दी स्टेक। नाउ हियर इज दी सेक्टर एलोकेशन एंड दी मार्केट कैप एलोकेशन। नाउ दी सेक्टर एलोकेशन टॉक्स अबाउट कि मैक्सिमम इनका जो पोर्टफोलियो है वो कौन से सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट, कौन से सेक्टर में ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, राइट? एंड मार्केट एलोकेशन भी वही सेम, इट टॉक्स अबाउट द सेम थिंग दैट इन विच मार्केट कैप मैक्सिमम एलोकेशन ऑफ दी फंड्स है। सो हियर वी गेट टू सी इट डायमंड एंड ज्वेलरी विथ 32.02% एंड लार्ज कैप हैज 44.54%, करेक्ट? नाउ लेट्स गो इनटू द शेयर होल्डिंग। सो ये आपको लेटेस्ट क्वार्टर के अकॉर्डिंगली मिलेगा, ठीक है? द नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड एंड परसेंटेज कितना है, राइट? यहाँ पे आपको डेट वाइज की चेंजेस मिल जाएंगे, राइट? लास्ट था 24 जुलाई को, राइट? करूर वैश्य बैंक में, जहां पे पहले प्रीवियस होल्डिंग था 4.33%, वो घट के इस क्वार्टर हुआ है 4.27%, राइट? यहां से आप गेनर्स देख सकते हैं एंड टाइम टॉगल के साथ आप एडजस्ट भी कर सकते हैं। से मुझे सिर्फ जानना है कि आज के दिन का गेनर्स कौन है, सो आई डू वन डे, एंड इफ आई मूव टू 6 मंथ्स कि लास्ट 6 मंथ्स में गेनर्स कौन था वो भी मिल जाएगा। सिमिलरली लूजर्स में भी आपको देखने को मिल जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन एडजस्ट दी टाइम फ्रेम। ओके, आई जस्ट सी। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द इंस्टीट्यूशनल वंस। सो इंस्टीट्यूशंस में इनाम ग्रुप है, एंड आई जस्ट शो यहाँ पे इनका एस्टिमेटेड होल्डिंग इज 24,000 करोड़ के आसपास, एंड श्रीनाथ इन्वेस्टमेंट में मैक्सिमम इनका शेयर होल्डिंग है,
यहाँ पे देखेंगे आयरन एंड स्टील में मैक्सिमम एलोकेशन है 22.08 फॉलोड बाय कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स। एंड मार्केट कैप एलोकेशन में देखेंगे स्मॉल कैप में ज्यादा है राइट। एंड अगर हम शेयर होल्डिंग में देखते हैं जो 58 कंपनीज है उसका हमको यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा राइट। एंड गेनर्स में हाउ दिस पर्टिकुलर ग्रुप हैज परफॉर्म, तो आपको यहाँ से आइडिया भी मिल जाएगा इनका परफॉर्मेंस भी कैसा रहा है राइट। सो दिस वॉज अबाउट इन्वेस्टर पोर्टफोलियो। ट्रेड सर द सेक्टर रोटेशन इज नॉट इन टूडेज सेशन, पार्ट ऑफ टूडेज सेशन दैट विल बी टेकन बाय समवन एल्स इन सम अदर सेशन राइट, टू क्लैरिफाई योर रिक्वेस्ट। नाउ लेट्स मूव टू इन्वेस्टमेंट थीम्स। इन इसका रिकॉर्डिंग मैं आपको शो कर दूंगी राइट। सो लेट्स फोकस ऑन इन्वेस्टमेंट थीम्स। सो इन्वेस्टमेंट थीम्स क्या है? दे आर नैरेटिव्स दैट आर देयर इन दिस मार्केट एंड दैट गिव्स यू नो अट्रैक्शन टू सर्टेन इंडस्ट्री सेक्टर्स एंड दे आर सर्टेन कंपनीज विद इन दोज सेक्टर्स दैट टेंड्स टू परफॉर्म वेल बेस्ड ऑन दोज नैरेटिव्स राइट। So what we do is our research team, they identify such narratives and also the stocks that tends to perform well with by those narratives and we collate them under investment themes. Say suppose yahan pe moats hai right, moats kya hai, which companies jo market leader hai aur segment leader hai aur wo competition se ek moat create kiya hua hai right. So here agar hum log dekhenge, so sabse pehle what is moat explained hai, what is economical economic moat wo explained hai and what is sustainability factor right. Then we come to the stocks that are listed below, say HDFC hai, Maruti Suzuki hai, ab dekhenge mostly are market leaders in their own space right. Now yahan pe aapko ek read more ka option milega, aap read more mein jayenge to aapko ye jo company hai koi bhi company hai uske sath is theme ka kya relation hai wo explained hai, उसके डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेन्ड है एंड इसका इम्पैक्ट क्या होगा पॉजिटिव या नेगेटिव वो भी एक्सप्लेन्ड है राइट। देन कम्स द वेरियस टाइमलाइंस एंड अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं कि हाउ दीज स्टॉक्स दैट आर देयर विद इन अ इन्वेस्टमेंट आइडिया हैज परफॉर्म लाइक राइट। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि HDFC बैंक 11% है, मारुति सुजुकी हैज गिवन 28% ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months, सो आप ये चेक कर सकते हैं। सिमिलरली आप 8-3 months का भी देख सकते हैं। नाउ से सपोज यहां पे है ग्रीन हाइड्रोजन, सो ग्रीन हाइड्रोजन में अगेन इंट्रो इट विल टॉक अबाउट व्हाट इज द थीम इज ऑल अबाउट, फिर स्टॉक्स एंड ये स्टॉक्स का रिलेशन क्या है या उसको जानने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं व्हाट इज द रिलेशन डिटेल्ड रिलेशन एंड द इम्पैक्ट राइट। सो दिस इज व्हाट इज अबाउट इन्वेस्टमेंट थीम्स। ओके सर लाइक इंट्राडे एंड स्विंग ऑफ पोजिशनल वोंट बी डिस्कस्ड हियर एंड सो यू कैन फोकस ऑन द सोशल प्लेटफॉर्म। ऑलराइट नाउ दिस इज डन, लेट्स मूव टू एसएमई जोन। नाउ व्हाट इज एसएमई जोन? सो दे आर स्टॉक्स just like any other stock but they trade on a separate platform. Why? Because these stocks are comparatively lesser liquid and since their listing process is little lenient so they tend to be a little riskier compared to other stocks and that's why
To protect the interest of the investors, they have been segregated under the SME zone. तो अगर आप जानना चाहेंगे कि what is the difference between this particular SME zone stocks and any other stocks, so there are two major differences. Number one, these stocks come out with their financials not every quarter but half yearly. And number two, these company stocks, they you have to buy or sell it on a lot basis, right? So आप यहाँ पे एक single company का share आप बेच या खरीद नहीं सकते हो. आपको अगर बेचना है या खरीदना है, so you have to do it in lots, right? Say suppose यहाँ पे मैंने in first वाला insulation energy का example दिया. So if we go to the fundamental segment, here is the results. So आपको quarterly में कुछ नहीं दिखेगा. And if we go to the half yearly, so आपको half yearly में यहाँ पे इसका half yearly performance you will get to see. Now where to check the lot size from? So यहाँ पे आपको BSE और NSE में मिलेगा. So let's say first example on NSE. जैसे कि हम यहाँ पे example लेते हैं network people services technologies, right? And आपको पहले यहाँ पे show करेगा SME. That means this particular company is trading in the SME zone. And if you go to the trade information, आपको यहाँ पे market lot size देखने को मिलेगा, which is 100 for this particular company, right? And price and market lot size has inverse relationship. That means higher the price, lower will be the lot size and vice versa, right? So आप NSE platform से ये आप लॉट साइज देख सकते हो. एंड सीरीज में एसएम शो करेगा विच इंडिकेट्स दैट दिस इज इन एसएमई जोन. करेक्ट, दिस इज हाउ यू कैन चेक इट ऑन द एनएसई प्लेटफॉर्म. ऑलराइट, नाउ लेट्स गो टू बीएसई एंड चेक हाउ यू कैन चेक द लॉट साइज. So we'll take the example of Bond Data Engineering. So यहाँ पे आपको group set group में देखने को मिलेगा either MT or M. Whenever you see MT or M, it talks about that it is in SME zone. And here BSE SME IPO is also written, but here the M or MT will suggest that this particular stock is on in the SME zone, right? Now how to check the lot size? So आप यहाँ corporate information में आएंगे and आपको ये security details के अंडर में ये lot size देखने को मिलेगा. So for this particular company the lot size is 200, right? Any questions till here? I'll wait for a second and then I'll move forward. Jadev sir, I'll show where you can find the recordings, right? 100 means the lot size. Matlab, agar aap SME stock ko khareedte hain, aapko ek saath 100 shares khareedne या 100 शेयर्स बेचने पड़ेंगे. आप एक शेयर या एक दो शेयर्स नहीं खरीद या बेच पाएंगे, राइट? सो एट वन गो यू हैव टू सेल और बाय 100 शेयर्स. दैट इज व्हाट द लॉट साइज मींस. ओके, नाउ लेट्स मूव टू एज इनसाइट्स. सो एज इनसाइट्स क्या है? What throughout the day there are a lot of updates, right? Be it technical or fundamental, the important ones. So at the end of the day, now this segment gets updated at the end of the day. Every day at the end of the day it gets updated, right? And here what we do is we try to capture the major highlights of that has happened throughout the day, be it technical or be it fundamental, and we present it out in a snippet format, right? सो यहाँ पे एज इनसाइट्स में आपको जैसे यहाँ पे देखने को मिलेगा आईसीआईसीआई बैंक मार्केट कैप क्या है, राइट? द प्राइस
एंड यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि इसका कौन कौन एनालिसिस आया हुआ है. नाउ लेट्स गो टू व्यू ऑल टू हैव अ बेटर व्यू ऑफ द सेम. राइट, आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट 29 जुलाई का अपडेट है. राइट, सो यहाँ पे कॉन कॉल रिलेटेड कुछ हुआ है इवेंट. लेट्स गेट इन टू इट. सो अगर आप इस एरो में जाएंगे सो आपको ICICI बैंक के ये पेज में लेके जाएगा एंड यहाँ शो करेगा कि हमारे जो एनालिस्ट ने इसको कल इसका अर्निंग्स कॉल को कवर किया था एंड दे हैव कम अप विद दिस रिपोर्ट. राइट, नाउ लेट्स मूव टू सी इफ यू गो टू द अदर रिपोर्ट्स. It will take you to all the concall reports that has been there in our app, right? And again, if you go to all edge reports section, it will show all the reports that are there under the edge report segment. Correct? Now let's take another example. यहाँ पे हम देखेंगे L&T में new order project or recognition related कोई filing हुआ है, right? So what we will do is we will go to this arrow. And it will take me to that press release. See? And मैं अगर ये PDF को access करूंगी तो it will take me कि LT wins multiple orders to build grid elements, right? And आपको ये two pager का जो exchange filing है आप इसको easily access कर पाओगे. And आपको ये भी information मिल जाएगा कि कल कुछ हुआ था क्या, L&T को कोई project मिला था. अदरवाइज शायद हमसे ये न्यूज स्किप हो जाता, राइट? सो हमें ये जानने को मिला कि वी हैव द कंपनी हैज रिसीव्ड सम ऑर्डर. नाउ से हियर इज द सिमिलर स्टॉक सेक्शन बट इफ यू क्लिक यू गेट टू सी ऑल द कंपनीज डेट वाइज दैट हैज रिसीव्ड सम और द अदर ऑर्डर्स. राइट, एंड जस्ट बाय क्लिकिंग ऑन द PDF इट डायरेक्ट्स यू टू दैट एक्सचेंज फाइलिंग. राइट, so this is what about the edge insights. Okay, now we are done with the edge insights section. We have done with SME also. Now what we will do is we will focus a little bit on the mutual fund segment, right? सो म्यूचुअल फंड सेगमेंट्स में आपको सबसे पहले AMC कितने हैं यहाँ पे लिस्ट आउट होता है. सो इफ यू गो टू द AMC सेगमेंट यू विल सी ऑल द मेजर AMCs लिस्टेड आउट हियर विद द AUM एज ऑन 30th June 2024. द नंबर ऑफ स्कीम्स दैट आर देयर अंडर दिस AMC इवन यू गेट टू सी दैट. नाउ लेट्स गेट इन टू दिस SBI म्यूचुअल फंड स्कीम टू अंडरस्टैंड वॉट आर AMC to understand what all of the schemes are there under it. So, सबसे पहले हम जाएंगे SBI Mutual Fund, AMC जो है, and वहाँ हमको देखने को मिलेगा segregation, equity, debt, hybrid and other. For the time being, we will focus on the equity portion. And the first we get to see is SBI PSU Fund. यहाँ पे उसका total AUM क्या है, NAV का performance, ये मैंने 3 years देख रही हूँ. सपोज मुझे लास्ट 3 months का जानना है सो मैं देखूंगी इसका NAV रिटर्न है 22.7%. सो मैं इसमें गई, सॉरी आई विल जस्ट या सो यू गेट टू सी दी हाउ दी NAV इज परफॉर्मिंग. राइट, एंड हियर इफ यू गो टू दी परफॉर्मेंस यू सी कि ये जो स्कीम है हाउ इट हैज फेड ओवर द इयर्स. राइट, रिटर्न कैसा रहा है. एंड होल्डिंग्स में अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा समरी कि ये जो स्कीम है उसका जो मेजर पोर्शन है वो डोमेस्टिक इक्विटीज में एलोकेटेड है. ओवरसीज इक्विटी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि 14.2% ऑफ द टोटल इज इन्वेस्टेड एंड रेस्ट जो रिमेनिंग 0.5 है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंस में इन्वेस्टेड है. सो द मेजोरिटी ऑफ द होल्डिंग इज इन्वेस्टेड इन डोमेस्टिक इक्विटीज. करेक्ट, नाउ विल गेट इन टू द डोमेस्टिक इक्विटी सेगमेंट टू सी एंड हियर अगेन दीज आर ऑल अपडेटेड मंथली वाइज. और अगर आपको पास्ट का जानना है कैसे क्या होल्डिंग का स्ट्रक्चर था वो भी आप स्टडी कर सकते हो
जस्ट बाय से सपोज मुझे जानना है कि मई में क्या था, राइट? सो मैं मई में जाऊंगी एंड मैं देखूंगी इसका कैसे क्या होल्डिंग पिक था, कितना कौन सा में कौन से स्टॉक में कितना होल्डिंग है एक्सेट्रा. नाउ आई मूव टू दी लेटेस्ट वन एंड आई सी वेयर अगेन दी चेंजेस हैव बीन देयर, राइट? सो मैं यहाँ देखूंगी कि इन्फोसिस में सबसे ज्यादा एलोकेशन है, दैट इज 25.6%, राइट? एंड देन फॉलोड बाय भारती एयरटेल, देन टीसीएस इज ऑल्सो देयर, टेक महिंद्रा इज ऑल्सो देयर. सो आई गेट टू सी दी एंटायर लिस्ट, ऑल राइट? एंड इफ आई गो टू दी अदर क्लास एसेट्स, सो मैं जैसे कि मुझे जानना है कि ओवरसीज एंटिटीज में कौन कौन से हैं नेम्स. सो राइट, मुझे यहाँ कॉग्निजेंट, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, अल्फाबेट, इसमें कैसा क्या स्टेक है, इवन आई गेट टू सी दैट, राइट? नाउ आई कम टू दी होल्डिंग्स, सॉरी एयूएम. सो हाउ द एयूएम हैज फेयर, सो एयूएम हैज बीन वेरी स्टैग्नेंट, नॉट मच ऑफ अ डिफरेंस, राइट? एंड देन वील सी हु आर द फंड मैनेजर्स हु आर मैनेजिंग दिस फंड, उनका भी हमें देखना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि दी पर्सन हु इज मैनेजिंग फंड ऑन माई बिहाफ हाउ हैज बीन देयर परफॉर्मेंस, राइट? सो हियर वी सी दैट देयर आर टू पीपल हैंडलिंग दिस फंड, वन इज प्रदीप केशवन एंड अनदर इज विवेक गेडा. सो दे हैव गुड नंबर्स ऑफ एक्सपीरियंस. नाउ सी So here we see what all of these schemes that have been managed by this particular individual, right? And how their NAV has performed over the years, correct? So you can see this is, say, suppose I want to check their perform his performance of all these schemes that have been managed by him. So I think you see that he has performed quite well over a period of 1 month, 1 year. Now if I change it to 3 months, again the return sits quite well on a 3 month basis. So this was about the AMCs and the various schemes under a particular AMC, right? Now we will see classes. So again, classes में equity है, debt है, hybrid है. So we see large cap fund, mid cap fund, right? Small cap, Flexi, ELS, ETFs, index funds are there, focus funds are there. So accordingly, जैसे कि हम अगर इसमें जाते हैं ETFs में, right? So we get to see various ETFs that are there. उनका performance 1 year में कैसा रहा है, ठीक है? So you get to see the entire performance of the NAV. So again, आप ETFs में भी अगर आप रहे तो वो उसका भी आप परफॉर्मेंस देख सकते हैं, राइट? जैसे कि यहाँ पे नैव हुआ, इस होल्डिंग क्या है, अगर आप डोमेस्टिक इक्विटीज में गए सो अगेन इसका होल्डिंग आपको पता चल जाएगा. सो दिस इज हाउ यू कैन चेक दी वेरियस ईटीएफ्स एंड क्लासेस ऑफ फंड्स. नाउ कम्स एनएफओ, न्यू फंड ऑफरिंग. सिमिलर टू आईपीओ, जैसे स्टॉक इक्विटी मार्केट में होते हैं वैसे ही जो भी अपकमिंग या न्यू जो फंड्स है वो यहाँ पे लिस्ट आउट होता है. आपको ऑफर प्राइस, इनिशियल प्राइस देखने को मिलेगा विद दी इन डेट्स ओपन एंड क्लोज, राइट? ये है अपकमिंग, ऑनगोइंग कौन कौन सा है, अगेन क्लासेस आर देयर इक्विटी एंड अदर, अकॉर्डिंगली आप चूज कर सकते हैं. एंड रिसेंट कौन कौन सा हुआ है उसको भी आप देख सकते हैं, राइट? सो हियर द लास्ट इज दी एमएफ इन्वेस्टमेंट थीम्स. जैसे कि मैंने बताया था कि इक्विटीज में हम थीम्स आइडेंटिफाई करते हैं, सिमिलरली म्यूचुअल फंड में भी सर्टेन थीम्स हैं. जैसे कि इंटरनेशनल फंड्स, अगर मुझे जानना है कि इंटरनेशनल कौन कौन से फंड्स हैं या कौन से फंड्स स्टैंड्स टू जनरेट द मैक्सिमम नैव, तो यहाँ इंटरनेशनल फंड्स के अंदर में वो लिस्ट आउट है. सो वॉट इज द बेनिफिट एंड हाउ डू दिस द टीम शॉर्टलिस्ट द सेम, उसका भी पैरामीटर्स यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है फॉर मोर क्लैरिटी, राइट? एंड हियर इज दी नंबर ऑफ स्कीम्स दैट आर लिस्टेड अंडर द इंटरनेशनल फंड्स, राइट? एंड इफ यू टॉगल, चेंज दी टॉगल, यू कैन सी दी परफॉर्मेंस ऑफ दीज फंड्स टू, करेक्ट?
Sir, for tax details, the new tax details, I'll suggest ready, sir. So please post your query on the social platform, and the fundamental research team will be there to help you out with the same, right? Recordings, I'll just help you out with the same. And if you are not able to find any recording, please tag the support team on the social platform and they will be able to guide you with the same. All right. Now let's move to how you can post your query on the social platform, right? So what we'll do is we see this 9 dots out here, right? Somehow. Hello, am I audible? Yes, you're audible. Okay, fine. So I'll explain it once again. So here on the web, there is this 9 dots. Simply click on it. And here you get this Stockage Social ka option. Aap is pe click karo. And it will direct you to the social platform. Right? So please focus on the left hand side. So yahan pe aapko certain clubs dekhne ko milenge, right? से आपका क्वेरी अगर पर्टेनिंग टू फंडामेंटल क्लब है आप फंडामेंटल क्लब में पोस्ट करेंगे. टेक्निकल क्लब इज देयर टू सॉर्ट योर टेक्निकल प्रॉब्लम्स पर्टेनिंग टू प्राइस लेवल्स ब्रेकआउट एक्सेट्रा. एफएनओ क्लब में आप डेरिवेटिव्स और रिलेटेड क्वेरीज पूछे. कमोडिटी करेंसी एज द नेम सजेस्ट पर्टेन्स टू द सेम. नाउ इज द फंड म्यूचुअल फंड क्लब राइट वेर यू कैन पोस्ट योर म्यूचुअल फंड रिलेटेड क्वेरीज. एंड ऑन द टॉप if we go right we see investing ideas and trading ideas segment. Now what is it? It is nothing. What happens is here we tend to these, as the name suggests, stock ideas. What we do is they are experts on our platform who are the green tick members, right? They provide certain ideas, investment ideas. So that gets captured here. So if you are there on this platform, you know, agar aapko investment related koi bhi idea chahiye, to aap investment idea segment mein jaye and wahan pe experts hai, wo aapko yahan pe unse aap ideas le sakte hain. Plus hamare case studies bhi is group mein aapko mil jayenge, right? Ye dekhiye. Correct? Similarly, trading ideas mein, as the name suggests, you get ideas for short-term trades, right? And also derivative-based trade ideas, right? And accordingly, you can take your bet, correct? Now, I'll just show how to put out your query on the fundamental platform, right? So, say, हियर आपको ये स्टार्टर डिस्कशन का सेगमेंट मिलेगा. सिंपली टाइप सेव व्यू ऑन ब्रिटानिया. सो व्हाट द पॉइंट इज सिंपली आपको जो करना है यहाँ पे आपको डॉलर से कंपनी का नेम टैग करना है. जैसे आप उसको देखेंगे देखिए आपको ड्रॉप डाउन में ब्रिटानिया मिल जाएगा. एंटर एंड देन पोस्ट राइट. The research analyst will note your query and revert to you. And within the next 48 hours, you will get your report on the same. Right? So this is how you can put forward your query. And not only company specific query, you can also ask sector specific queries. Say suppose Vaibhav Agarwal here has asked that is it good buy after split is announced pertaining to Varun Beverages? If yes, then what price, right? Then you can, they can be sector specific queries. So you can ask your queries out here. And there was some query on taxation also. So you can put out here, right? And the research analyst will be there to guide you with the same. So you will get a notification, you know, sir, you will get a notification, right? So agar aap say, suppose koi query puche hai, एंड उसका आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा. ये नोटिफिकेशन सेगमेंट यहाँ ये जो
बेल आइकन है, वहां पे आपको एक रेड नंबर मिलेगा, द नंबर ऑफ नोटिफिकेशन, एंड उससे आपको समझ में आ जाएगा, राइट? सो यहाँ पे था हाउ टू पोस्ट योर क्वेरी. नाउ कम्स द रिकॉर्डिंग, राइट? सो वी विल राइट कस्टमर डिलाइट. जैसे ही तो आपको स्टॉकेज कस्टमर डिलाइट मिलेगा, एड टू सर्च एंड राइट रिकॉर्डिंग, अगेन एड टू सर्च एंड सर्च. सो जितने भी रिकॉर्डिंग्स हैं आपको देखिए, लेटेस्ट 7 आवर्स पहले का कोई रिकॉर्डिंग आया है, ठीक है? आपको ये सब यहाँ पे वन बाय वन मिल जाएगा. इवन आफ्टर दैट, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम विद दी सेम इन फाइंडिंग एनी रिकॉर्डिंग, प्लीज टैग कस्टमर डिलाइट एंड दे विल बी देयर टू हेल्प यू आउट, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन पुट योर क्वेरी ऑन दी सोशल प्लेटफॉर्म. क्लियर टिल हियर? ओके, सो सिंस देर आर नो क्वेश्चंस, आई रैप टूडे सेशन. थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर. ओके, आई जस्ट सी. या थैंक यू ऑल फॉर बीइंग हियर एंड होप आई हैड यू हैव लाइक टूडे सेशन, राइट? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. बाय.